दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बदमाश लोधा क्षेत्र में पिछले माह सर्राफा के साथ हुई लूटपाट में भी शामिल था। पकड़े गए अभियुक्त से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश जीतू लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए खेरेश्वर चौराहे पर थानाध्यक्ष लोधा व चौकी प्रभारी खेरेश्वर द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि तेज गति से आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर खैर रोड पर लोधा की तरफ वह भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर कोको प्लस वाटर पार्क के सामने कच्चे रास्ते पर वह मुड़ गया। रुस्तमपुर अखंड नई रेलवे लाइन अंडरपास करते ही मिट्टी व पत्थर के ढेर से वह टकरा गया और उसी ढेर की आड़ लेकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछने पर बदमाश ने अपना नाम जीतू उर्फ जितेंद्र उर्फ मास्टर पुत्र धर्मपाल निवासी बहेटा हाजीपुर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद हाल निवासी लक्ष्मपुर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ बताया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त बीती 18 मार्च को गांव हरदासपुर मोड़ पर एक सर्राफा व्यापारी से 2 किलो चांदी 10 ग्राम सोना और मोटरसाइकिल लूट की वारदात में वांछित चल रहा था, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस व दो खोखा कारतूस 315 बोर व लूट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 7 मई 2020 को थाना लोधा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान खरेश्वर मोड़ के पास जहां थाना प्रभारी लोधा अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, वहां एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से चेकिंग के दौरान नहीं रुका व उसे चेज करने पर आगे जाकर खैर रोड पर थोड़ा आगे एक रुस्तमपुर अखंड गांव जाता है, उसके रास्ते पर जो है थाना प्रभारी के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें उस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। व्यक्ति का नाम जीतू उर्फ जितेंद्र है और वह लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। दिनांक 18 मार्च को थाना लोधा क्षेत्र में हरदासपुर मोड़ पर एक व्यापारी के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उससे 2 किलो चांदी 10 ग्राम सोना तथा उसकी मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर थी वो लूट ली गई थी। उसमें यह व्यक्ति वांछित है। व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है तथा उसे उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया है। पकड़े गए बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसका उपचार मलखान सिंह जिला अस्पताल में जारी है। देखना होगा कि कब तक इस बदमाश को जेल भेजा जा सकेगा। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।